एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जूले, क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से, मज़े से और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जी दोस्तों, ये शाम का टाइम है और आज हमारे पूरे स्टाफ ने प्रोग्राम बनाया था यहाँ पर, हमारे यहीं त्यक्षी में ही है जिलदार रॉयल गार्डन कैंप, वो बहुत ही खूबसूरत है, हमारा ही कैंप है वो। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं आज किट्टी पार्टी करने के लिए। तो हमारी जितनी भी जो है लेडीज स्टाफ है वो सब जा रहे हैं, तो मैं भी जा रही हूँ। तो मैंने पहले मना किया था जाने के लिए, तो हमारी मैम है रिंचन मैम, तो रिंचन डोलकर मैम बेचारी मुझे लेने आ गई, तो मैं मना नहीं कर पाई। तो जी मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है और मैं बड़ी खुश हूँ वहाँ जाने के लिए ना। तो हम जा रहे हैं, तो हमारी मैम आई है। तो अभी यहाँ पर जो है मौसम काफ़ी ख़राब सा था, तो बस अभी थोड़ी देर में हमने देखा तो मौसम जो है खुल चुका है दोस्तों। और जो है वैसे भी पहाड़ों में मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता, तो बस अब खुलने ही वाला है जी मौसम। तो यहाँ देखिए जी, रिंचन मैम आई थी मुझे लेने के लिए, तो इनके आने के बाद में मौसम खुल चुका था। तो वहाँ पर देखिए धूप आई हुई है पहाड़ों में, और वहाँ ऊपर सामने के साइड में ना जो है यहाँ पर रेनबो आया हुआ है। तो हम लोग जा रहे हैं जी किट्टी पार्टी में, हमारी सारी मैम्स वहाँ पर आपको दिखेंगी आज, और जितनी भी हमारी मैडम हैं। तो देखिए, और देखिए लाइफ में कभी ऐसी पार्टीज़ होनी चाहिए ओनली लेडीज़ की, वो भी जो है ज़रूरी है लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। आप लोग यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, यहाँ पर पहाड़ों के बीच में जो है रेनबो निकला हुआ है। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ में रहिएगा और पूरी पार्टी को इंजॉय कीजिएगा। तो हम जा रहे हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जिलदार रॉयल गार्डन कैंप में। तो यहाँ पर जो है हमारे साथ की जो लेडी स्टाफ है वो कुछ यहाँ पहुँची हुई हैं और कुछ अभी नहीं पहुँचे हैं, तो हम उनका वेट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर अब बस शाम हो चुका है, तो बस थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तो दोस्तों पूरे वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग इन्जॉय करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एक्सपेंसिव भी नहीं है और अच्छा भी है ना। हम तो सब बिल्कुल परेशान बैठे हुए थे। हमारे एक डोनपो और पहुंच गई। इतनी लेट क्यों हुई कनीस, क्या बात है इतनी लेट, इतनी लेट। अच्छा अच्छा, कौन दिखा तुझसे माला गप्पे शप्पे मांगो दान दो हाला हमारे फुल एंजॉय सरप्राइज। तो आप लोगों निधा मैम को भी साथ लेके आती, निधा थम भाग गई बॉर्डर पे, बॉर्डर पे भाग गई। हेलो जखम भाई, मिस कर ले ना, नो 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 करेंगा, पेन केक करे, पेन केक। 2 3 सरप्राइज, लास्ट सरप्राइज से, लास्ट सरप्राइज से था। जिट मनी मचू, जिट 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 मनी मचू, 1 2 3 1 2 3 सरप्राइज। नो मामा करते जाने, यो करो सब यो करो।
हेलो गाइस, तो आज हम सब यहाँ पर आए हैं। हमारी मैम प्रिंसिपल भी है और मैम स्कलजंग है, मैम फुनसुख है, मैम डोलकर है। तो आज हम लोग यहाँ पर ना लेडीज ओनली लेडीज पार्टी कर रहे हैं, किट्टी पार्टी, ठीक है। तो आप साथ में रहिएगा और इंजॉय कीजिए। थैंक यू। खाली प्याज वाला, प्याज इधर मैम मुझे प्याज ये है। चम मारो प्याज। नो हली मिला हतोपने हतोपने पकोड़े शकोड़े खा लिए जी सबने और चाय भी पी ली है। पकोड़े तो शकोड़े कैसे होते हैं? शकोड़े वो प्याज वाले थे ना। जो आपने खाया वो शकोड़े, जो हमने खाया वो पकोड़े। जी नहीं नहीं। चलिए मैडम मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, सिखा मैं जीना जीना।
ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। सच्ची सी है ये तारीफ दिल से जो मैंने करी है जो तुमने चलो मैडम फिर जाएंगे अब। चलो भैया बहुत हो गया। कनीस चलो आप बहुत हो गया। हर चीज की एक हद होती है। मैडम